ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुखबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमावृतात्। नमस्कार YouTube के दर्शकों को, आज हम कब्ज के बारे में बताएंगे कि कब्ज का निवारण कैसे करें। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ ऑल डिसीजेस। कब्ज जो है सब रोगों की जड़ है, और इस कब्ज को दूर करने के लिए हम तीन पद्धतियों को यहाँ पर अनुसरण करेंगे। तीन पद्धतियाँ हमको फॉलो करनी है। पहली पद्धति है एक्यूप्रेशर, दूसरी पद्धति है एलोवेरा जेल, और तीसरी पद्धति है गणेश क्रिया। तो ये तीन तरीके से हम कब्ज का निवारण करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूप्रेशर पे। एक्यूप्रेशर के लिए आपको आपके दोनों हाथों की बीच की जो हथेली मध्य भाग, ये आपका पूरा आमाशय है, आपका ये पेट उदर संस्थान है, ये दोनों हाथों में मध्य भाग। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंतों को एक्टिव करने के लिए, अपने आंतों को क्रियाशील बनाने के लिए इसको आप 20 बार दबाएंगे। ऐसे काउंट करते रहिए, 1 2 3 ऐसे करके इसको 20 बार ऐसे घुमाइए, अच्छी तरह से दबाइए इसको 20 बार ऐसे करेंगे, और 20 बार इसको इस हाथ से करेंगे। तो ये आपने देखा होगा, लोग तंबाकू खाते हैं और तंबाकू खाने के बाद सोच के ले जाते हैं, उनका ये कहना है कि भाई तंबाकू खाने से हमारा पेट खुलता है। ये उनकी गलत धारणा है। एक्चुअल में तंबाकू से पेट नहीं खुलता, बल्कि वो एक्यूप्रेशर से पेट खुल जाता है उनका। एक्यूप्रेशर पड़ता है, वो हाथ की आवश्यक को सक्रिय हो जाती है तंबाकू के बाहर, और इस तरीके से पेट खुल जाता है। तो ये बीच का स्थान है उदर स्थान, ये आपका पूरा आमाशय तंत्र। इसको आपने जब 20 बार अच्छी तरह से प्रेशर डालेंगे दोनों हाथों में, तो आपका जो आमाशय है उदर संस्थान है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब जब आप शौचालय के लिए जाते हैं, तो शौचालय में जा करके जब आप शौच के लिए बैठ जाते हैं, तो वहां पर आपने क्या करना है, आपकी जो मध्यमा उंगली है और ये तर्जनी उंगली है, इसके बीच का जो स्थान है यहाँ से आपने प्रेशर डालना है और नीचे लाना है, उसके बाद कलाई तक लेकर के फिर ऊपर उठाना है, और अनामिका और मध्यमा के बीच ये आपका गुदा स्थान है, इस स्थान से मल को भर डालना है। अब आप ये देखिए, आपने आपने हाथ टिका है, ये हाथ टिका दिया आपने, तो ये जो दो उंगलियां टिक रही हैं यही आपके पैर है। ये जो दो उंगलियां हैं आपकी, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, ये आपके दो पैर हैं, और पैर के बीच में क्या होता है, गुदा स्थान। पैर के बीच में गुदा स्थान होता है। तो फिर आपने क्या करना है कि पहले बाएं हाथ में आपकी फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, यहाँ इसके बीच से सेंटर से आपने ये प्रेशर डालना है, ये आपकी बड़े हाथों से मल बाहर को जा रहा है, और फिर ऊपर को उठाएंगे और छोटे हाथों की तरफ से, और अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में से इसको बाहर कर देंगे। तो ये मल का निष्कासन हो गया, मल बाहर चला गया, और ये फील भी करना है, ये सोचना भी है मन ही मन में कि मेरे शरीर के आंतों से मल बाहर की तरफ निकल रहा है ना। इस तरह से जल्दी जल्दी मल शरीर की आंतों को छोड़ देता है और बाहर चला जाता है, और यही क्रिया आप फिर यहाँ से करेंगे। यहाँ पर फिर आपकी जो है तर्जनी और ये मध्यमा, ये इसके बीच का सेंटर लेकर के इसको ऐसे हाथ से दबाते रहेंगे, बड़ी आंतों से मल का खिंचाव नीचे की तरफ, कलाई से ऊपर हाथ उठाया, फिर अनामिका और मध्यमा यानी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच गुदास्ता मल द्वार, यहाँ से इसको बाहर कर दिया। फिर इसी तरह से इसको 20 बार इसी क्रिया को रिपीट करेंगे। तो आपने क्या किया, 20 बार इस हाथ में, 20 बार इस हाथ में, फिर 20 बार सेंटर में, 20 बार इस सेंटर में। तो जब आप ये क्रिया इस तरह से करेंगे, तो आपका जो पेट का जो मल है वो बाहर चला जाएगा, पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। और एक क्रिया इसके साथ और जोड़ेंगे, उसको कहते हैं गणेश क्रिया। गणेश क्रिया में आपने बाएं हाथ की जो तर्जनी है, इसको सरसों के तेल में आप अच्छी तरह से डुबोइए, और इसको गुदा के अंदर डालिए, मल द्वार के अंदर डालिए, और इसको ऐसे घुमा लीजिए ऐसे क्लॉक वाइज। तो ये जो सरसों का तेल है, जैसे ही गुदा द्वार के अंदर जाता है और चारों तरफ फैल जाता है, तो वो मल को तेजी से अपनी ओर खींचता है। इस क्रिया का नाम है गणेश क्रिया। तो गणेश क्रिया से भी शरीर का मल तेजी से बाहर निकलने लगता है। और इन दो क्रियाओं के साथ एक चीज अगर आप और अपना लें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कब्ज को अपने जीवन से हमेशा के लिए विदा कर दिया। वो चीज़ है एलोवेरा जेल का सेवन। एलोवेरा जेल मतलब घृतकुमारी रस। घृतकुमारी रस ये आयुर्वेद में रसायन की कैटेगरी में आता है। रसायन का मतलब ऐसा पेय पदार्थ, ऐसा अवलेय, ऐसा चूर्ण जो आपके शरीर के अंदर नवजीवन प्रदान करे, आपको आपके शरीर की कोशिकाओं को जीवित कर दे, तो इस चीज़ को रसायन कहते हैं।
और इसके लिए सबसे अच्छा होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आप इसको अच्छी तरह हिला लीजिए और हिलाने के बाद इसको गिलास में डालिए। तो ये आप ये मात्रा देख लीजिएगा कि ये जो मात्रा है इतनी मात्रा का, यानी एक कप चाय जैसे आप पीते हैं उतनी मात्रा में एलोवेरा जेल का आप सेवन करेंगे, किंतु कब? रात को सोने से पहले। और उसके बाद एक गिलास इतना ही गुनगुना पानी भी आप पी लेंगे, तो इससे क्या होगा कि सुबह तक आपकी आंखों की सफाई हो जाएगी। और यही नहीं, सुबह उठ के भी आपको गुनगुना पानी पीना है एक गिलास। वो क्यों? क्योंकि जब सुबह सुबह आप गुनगुना पानी पियेंगे उसको कहते हैं उषापान। उषापान मतलब होता है कि बिना कुल्ला किए सुबह एक गिलास पानी पीना। ये आयुर्वेद के अंदर इसको बड़ा प्रशस्त माना गया, आयुर्वेद में इसकी बड़ी प्रशंसा है कि जो उषापान करता है उसके शरीर के कई रोग कट जाते हैं। तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि सुबह उठ के बिना कुल्ला किए आपको एक गिलास या दो गिलास गुनगुना पानी पीना है। और उसके बाद आप भ्रमण करने चले जाइए, सैर करने चले जाइए। सैर करने के बाद आएंगे तो पेट निश्चित रूप से खुलेगा। किंतु ये जो एलोवेरा जेल है ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपको सफाई का काम कर रहा है, पोषण का काम कर रहा है और मरम्मत का काम कर रहा है, यानी जो आपके डेड सेल्स हैं उनको भी रिवाइव करता है। और ये न्यूट्रिएंट्स भी है, पोषक तत्व तो इसमें भरे पड़े वो मिलते हैं, सफाई मतलब क्लीनिंग का भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ा देगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देगा। और एक खास तीसरी बात इसके अंदर जो देखने को मिलती है, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है। तो ये जो है हर प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करता है। और इसमें एक सेपोनिन नाम का रसायन होता है। सेपोनिन रसायन एक वो रसायन है जो आंतों में जो टॉक्सिन जम जाता है आपके, उस टॉक्सिन को उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। यानी सेपोनिन क्या है, एक प्रकार का साबुन समझ लीजिए कि जो आंतों को पूरी तरह से धो रहा, उसने आपकी आंतों को पूरी तरह साफ कर दिया। और ये ग्रुप ऑफ 9 एंजाइम्स, इसमें 9 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए निहायत जरूरी है, वो एक ही उसमें एलोवेरा जेल के अंदर उपलब्ध है। तो अन्य बहुत सारी चीजों को सेवन करने से अच्छा एक कोई टॉनिक इस तरह का आप अपने दिनचर्या में जोड़ लीजिए। विटामिन ए इसमें है, सी इसमें, ई इसमें, और एक B12 नाम का विटामिन होता है जो कि ज्यादातर जो नॉन वेज वाले उनको तो मांसाहार से मिल जाता है, पर जो वेजिटेरियन है उसको कहां से मिलेगा? तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए B12 मिल रहा है, वो भी एलोवेरा जेल के माध्यम से, तो वो इसको जरूर सेवन करें। और ये इसमें क्या है, मोनी पॉलीसेक्राइड नाम का, एक इसके अंदर आपका मिनरल होते हैं और लिपिड होता है, तो वो लिपिड क्या करता है कि शरीर की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इसमें 22 प्रकार के अमीनो एसिड भी उपलब्ध होते हैं एलोवेरा जेल के अंदर। तो इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें सारे जितने भी आपके खनिज लवण है सारे पाए जाते हैं इसमें। क्लोरियम है, आयरन है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, तो सारी चीजें इसके अंदर उपलब्ध है। तो ये जो रसायन है आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे एलोवेरा जेल का, एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे जो अभी आपको बताया है, और साथ में गणेश क्रिया को करेंगे। तो यदि आपने इस प्रकार की ये तीन चीजें अपनी दिनचर्या में और अपने रूटीन में अगर आप लेके आ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएंगे कि कब से भी कोई चीज होती है, और इस प्रकार आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।